सिर्फ आपको सब वूफर को देनी है पावर और सिंपली ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ से। सो जल्दी से अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग में आगे बढ़ते, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। सो जल्दी से हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ और इसका मेन वाला बॉक्स निकालता हूँ और उसके बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सो एज यू कैन सी मैंने इसका प्रोटेक्शन वाला बॉक्स रिमूव कर दिया और ये है इसका एक्चुअल बॉक्स। और बॉक्स के सामने की तरफ आपको हार्दिक पांड्या जी देखने को मिल जाते हैं जो कि हैं बोट के ब्रांड एम्बेसडर और साथ साथ इधर ब्रिंग योर होम टू लाइफ इन्होंने फिर से वही टैगलाइन दे रखी है और बोट अवांते बार 1800 की ब्रांडिंग आपको राइट साइड पे देखने को मिल जाती है और इधर आपको साउंड बार की और सब वूफर की एक्चुअल इमेज देखने को मिल जाती है। सो बॉक्स के टॉप के ऊपर आपको ज्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है, सेम जो स्पेसिफिकेशंस है जो बोल्ट 1198 के अंदर दी गई थी कुछ तो उसके सेम ही है। जैसे आप देख सकते हो ब्लूटूथ 5.0 2.1 चैनल साउंड बार मल्टीपल कनेक्टिविटी मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं और एक्सक्यूजिट डिजाइन विद प्रीमियम फिनिश वगैरह वगैरह देखने को मिल जाता है। और ये जो फुल्ली स्पीकर सिस्टम है ये है 120 वॉट्स का जो कि काफ़ी अच्छी बात है और जो इसकी बेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इस साइड पे भी आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, सिर्फ इधर बाहर की एक्चुअली में आपको देखने को मिल जाती है। और साउंड बार के बॉक्स के पीछे की तरफ आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है, सिर्फ बोट की ब्रांडिंग अवांते बार 1800 ब्रिंग योर होम टू लाइफ और कुछ इसकी पैराग्राफ दे रखा जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और इधर आपको सब वूफर की एक्चुअल इमेज देखने को मिल जाती है रिमोट जो कि 1198 की जैसे सेम ही है और इधर आपको बाहर की एक्चुअल इमेज देखने को मिल जाती है। सो जल्दी से अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग में आगे बढ़ते हैं। सो जल्दी से अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। सो जल्दी से अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आपने देखी इसकी अनबॉक्सिंग, आई होप आप जैसे आपने देखी इसकी अनबॉक्सिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो अगर पसंद आ रही है। तो ये है अवांते बार 1800 का फुल सेटअप और जैसे आप देख सकते हैं इधर आपको एक सब वूफर देखने को मिल जाता है और इधर आपको बार देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले आप इसके देखो कुछ एक्सेसरीज जो आपको बॉक्स में देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ इसके बाद मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करूंगा और उसके बाद आपको फोन से भी कुछ सॉन्ग्स प्ले करके सुनाऊंगा और उसके बाद आपको टीवी से भी सुनाऊंगा कि इसकी जो आउटपुट है वो फोन से भी और टीवी से भी कैसे निकल के आती है। सो जल्दी से हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वो बात आ गई इसकी कुछ एक्सेसरीज की। सो पैकेट के अंदर सबसे पहले आपको रिमोट देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर हमें एक ऑक्स केबल देखने को मिल जाती है और उसके बाद में हमें एक इसकी पावर केबल देखने को मिल जाती है बार की और साथ ही साथ हमें इधर कुछ वॉल माउंटिंग स्क्रूज देखने को मिल जाता है। जो वॉल माउंट है वो बार के साथ पहले ही आपको अटैच्ड मिलने वाला है और लास्ट के अंदर हमें इसके कुछ पेपर वर्क और कैटलॉग वगैरह देखने को मिल जाती है, वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है। सो अभी मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देने वाला हूँ और उसके बाद इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में आपको इसका एक साउंड टेस्ट देने वाला हूँ और साउंड टेस्ट के लिए आप ईयरफोन पहन लेना। तो ये है साउंड बार का फ्रंट और फ्रंट की तरफ आपको चार स्पीकर का सेटअप देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ आपको बार के पीछे की तरफ आपको दो वॉल माउंट्स देखने को मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाता है और पावर केबल अटैच करने के लिए पोर्ट दी गई है और इधर आपको USB पोर्ट और ऑप्टिकल पोर्ट देखने को मिल जाती है और साथ साथ HDMI और Coaxial पोर्ट देखने को मिल जाती है और ऑक्स पोर्ट भी आपको इसके अंदर दी गई है।
और साथ ही साथ इधर हमें एक मास्टर रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है जिससे हम अपना सबवूफर कनेक्ट कर पाएंगे, और साथ ही साथ इधर हमें देखने को मिल जाती है हमारा सबवूफर, जैसे आप देख सकते हैं, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फिनिश ऑफर करता है। और सबवूफर के साइड की तरफ आपको 5.25 इंच का स्पीकर देखने को मिल जाता है जो कि बेस प्रोड्यूस करता है, जिसकी बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सबवूफर के पीछे की तरफ हमें LED इंडिकेटर और पावर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाता है। जैसे आपने देखी इसकी अनबॉक्सिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करो। तो जल्दी से अभी हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये जो साउंड बार सिस्टम है, ये 120 वॉट्स का साउंड बार का सिस्टम है जो कि काफी अच्छी बेस प्रोड्यूस करता है, जो कि आगे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। फोन से कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा और आपको टीवी से कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा कि इसकी जो आउटपुट है वो कैसे निकल के आती है। सो आपको ये 2.1 चैनल का साउंड बार देखने को मिल जाए। जो इसका इनबिल्ट रिमोट है वो इसके टॉप पे माउंट किया गया, जो कि काफी अच्छी बात है कि काफी यूनिक सा डिजाइन इसका दिया गया है, जो कि मेरे टेस्ट के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है। और जो इसका एक्सक्यूजिट डिजाइन है वो इसको काफी ज्यादा प्रीमियम बना देता है, और ये आपके होम के साथ आपकी टीवी के साथ काफी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपके पास टीवी कोई अच्छा खासा 43-55 इंच का टीवी है, उसके साथ ही काफी अच्छा लगने वाला है। तो इसके अंदर आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऑक्स, USB, आर्क, कोएक्सियल वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। कई साउंड बार्स के अंदर आपको ये सभी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। सो इस साउंड बार के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो यही थे इसके कुछ फीचर्स, आई होप आपको इसके काफी फीचर्स अच्छे लगे होंगे। साउंड बार्स के अंदर आपको इससे ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, इतने ही होते हैं। जल्दी से अभी मैं आपको इसका एक साउंड टेस्ट दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना सबवूफर और बार को ऑन कर लेना है, उसके बाद आपको जो प्ले नेक्स्ट वाला बटन है उसको 3 सेकंड तक दबा के रखना है, फिर ये खुद ब खुद पेयर हो जाएगा, और उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी सॉन्ग वगैरह प्ले कर सकते हो। अभी देखना ये कनेक्ट हो जाएगा, और जब लाइट ब्लिंक करनी बंद हो जाएगी इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एज ऑलवेज गेम ऑन।